खडीमा में चालान कटने के डर से लगाने लगे लोग हेलमेट। आपको बता दें कि खडीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी और कोतवाल नरेश चौहान के निर्देश पर खडीमा कोतवाली और बाजार पुलिस द्वारा लगातार टू व्हीलर वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों पर भी पुलिस कड़ी चालान की कार्रवाई कर रही है। वहीं बाजार पुलिस द्वारा रोज टू व्हीलर वाहन चालकों पर चालान की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं लगातार बाजार पुलिस द्वारा कई बाइकें सीज भी की गईं। वहीं आज भी खटीमा बाजार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बाजार चौकी इंचार्ज होशियार सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर पुलिस ने डेढ़ दर्जन के करीब बाइकों के चालान काटे। वहीं आज भी एक बाइक भी सीज की। आपको बता दें कि लगातार बाजार चौकी इंचार्ज सिंह द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लगातार रोज कई गाड़ियां सीज की जा रही हैं। लेकिन बाजार पुलिस के इस लगातार वाहन चेकिंग अभियान से वाहन चालकों पर इतना असर हुआ है कि बाइक सीज का इजाफा कम हो गया है और वहीं बाइकों पर हेलमेट लगाने वालों की संख्या बढ़ गई है। अगर पुलिस द्वारा ऐसे ही लगातार चालान की प्रक्रिया की जाए तो लगता है कि खटीमा शहर में बिना हेलमेट लगाने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, जिससे वाहन दुर्घटनाओं में हो रहे इजाफे में भी राहत मिलेगी।